हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी तरीकों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। ठीक है, आप लोग के लिए अध्याय एक की रिवीजन वाली जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि आप लोग का स्टेप बाय स्टेप अध्याय एक से लेकर के अध्याय लास्ट तक अध्याय 16 तक आप लोग को पूरी तरीके से 100% तैयारी हो इस चैनल के माध्यम से, है ना। आज की इस वीडियो पर उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, उस वीडियो को भी आप लोग इसके बाद देखें या पहले देख लो, कोई बात नहीं है, जब भी मन पड़े तब देख सकते हैं। ठीक है, बट एग्जाम से पहले देखना भाई, एग्जाम के बाद देखने का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको क्या है। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है। कितना खरगोश है कितना पक्षी हम लोग को नहीं पता, उसी को निकालने के लिए बोल रहा है, नहीं पता इसलिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग को दिया क्या है, कुल सिर दे चुका है। ठीक है, कोई गुफा में गए होंगे कोई लड़के आप ही लोग की तरह, तो वहां पर देखिए कि 35 सिर है और 98 पैर है, है ना। तो फिर उन्हीं के उस सिर के हिसाब से और उस पैर के आधार पर हम लोग को उसका खरगोश और पक्षी का संख्या निकालना है कि वहां कितनी है वे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग इस तरीके से, हाँ इसको किस विधि से हल करेंगे, तो आप लोग को बता दूं मैं इसी क्वेश्चन को तीनों विधि से हल करके दिखाऊंगा। बहुत कम समय में आप लोग को तीनों विधि सिखा के दिखाऊंगा। ठीक है, 100% आप लोग तीनों विधि सीख जाएंगे कि हम लोग को काम क्या करना है। आप लोग को पता है मैं गणित में काम करना सिखाता हूँ कि कैसे काम करते हैं, है ना। अगर काम करना सीख जाओगे फिर कोई भी आप लोग को नहीं रोक सकता इसको हल करने से, है ना। तो देखो इसको हम लोग सबसे पहले मैं आप लोग को किस विधि से बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूँ, फिर विलोपन से बताऊंगा, फिर लास्ट में आलेख विधि से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा, माना कि खरगोश की संख्या नहीं पता तो उसको एक से मान ले, पक्षी की संख्या को वाई मान ले, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। प्रश्न अनुसार सिर के लिए समीकरण, ठीक है, प्रश्न में क्या दिया है, सिर दिया, इसलिए हम लोग सिर के लिए समीकरण बना लिए, एक्स प्लस वाई बराबर लिखा हूं मैं 35। ऐसा क्यों, क्योंकि एक खरगोश का भी एक सिर होगा और पक्षी का भी एक सिर होगा, इसलिए दोनों बराबर 35। उसी तरह पैर के लिए, तो देखो खरगोश का चार पैर होता है इसलिए 4x लिखे और पक्षी का दो पैर होता है इसलिए दो पैर लिखे, यहां तक क्लियर है। फिर ये तीनों विधि के लिए यहां तक सेम है, ठीक है, तीनों विधि के लिए यहां तक हम लोग को करना ही पड़ेगा। अब देखो प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक समीकरण, अभी दो समीकरण आप लोग देख पा रहे हैं ना, समीकरण एक और दो, तो दोनों में से किसी एक समीकरण को हल करना है फिर उसके मान को दूसरे समीकरण में रख देना, यही है प्रतिस्थापन विधि का काम। तो चलो जान लिए, अब करके दिखाता हूँ उसको कि कैसे। मान के चलो मैं समीकरण एक को हल करता हूँ, है ना, समीकरण एक से क्या हो रहा है, समीकरण एक में क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 35। क्लियर, x का मान निकालना है, मतलब इस y को भेजना पड़ेगा, भेज दो, 35 ऋण y होगा, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 10। क्लियर, अब क्या बोला हूं कि एक को हल कर लिया मैं, उसको किस में रखूंगा, अगले वाले समीकरण में रख दो, तो लिखेंगे इसको समीकरण दो में x बराबर 35 ऋण y रखने पर। क्या 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 सुने आप लोग, जहां पर x है, ठीक है, कहीं पर भी उस समीकरण दो में एक्स होगा, वहां पर एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 35 ऋण वाई। क्लियर है, ठीक, चलो रख के दिखाता हूँ। चार है तो चार एक्स की जगह लिखो 35 ऋण वाई प्लस, हाँ बाकी को कुछ नहीं कर सकते, है ना, बाकी जैसे तैसा, दो आए तो दो आए बराबर 98 है तो 98 लिखेंगे। क्लियर, यहाँ तक इस चार का अंदर गुणा करेंगे, चार का 35 से 7 गुणा होगा तो 140 ऋण 4y प्लस 2y बराबर होगा 98। क्लियर आप लोग, अब देखो 140 से 140 अकेला रहेगा, इन दोनों आपस में घट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है ना भाई, अलग अलग चिन्ह, इसलिए घटेगा और बचेगा उत्तर माइनस 2y, 4y में 2y जाएगा तो 2 ही y बाकी रहेगा, आप लोग को इतना तो पता है, 98। ठीक है, अब देखो यहाँ को या इस सिरे से हल करते हैं, 2y बराबर 98 है, हम लोग को y का मान निकालना है, इसलिए 2y को यहीं रोको 98, फिर 140 को वहां भेज दो, 140 को वहां भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 140। क्लियर, दो है, अब देखो 140 में 98 घट जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है ना, तो बाकी रहेगा हमारे पास माइनस 42। क्लियर है, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने माइनस है, इसलिए देखो उस चीज को समझो, कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है, मतलब चिन्ह कौन सा लेना है ना, बड़ा नंबर में सामने जो चीज रहता है उसी को लेते हैं, माइनस और माइनस कैंसिल, तो 2y बराबर बाकी रहेगा 42 और y का मान निकालना है इसलिए 42/2 हो जाएगा और उसको कटाएंगे तो 21 में कट जाएगा।
ये आया हम लोग का किसका आंसर, पक्षी का आंसर। अब पता चल गया आप लोगों की वहां कितने पक्षी उस गुफा में, 21 पक्षी है। तो बाकी अब क्या रहेगा, खरगोश रहेगा, है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसी वाई के मान को किसी भी, तीन तीन ठो समीकरण पड़ा है आपके सामने, तीनों समीकरण में से किसी एक में भी रख दो, आंसर आप लोग का आ जाएगा। मैं ज्यादा आप लोग को बोलूंगा कि समीकरण तीन में रखो, क्योंकि ऑलरेडी वो हल हो चुका है ना। तो लिखो यहां पर समीकरण तीन में y बराबर 21 रखने पर, ठीक है, रखो। तो भाई समीकरण नंबर तीन ये है, x बराबर 35 रीड y, y की जगह में रखना 21, बाकी को कुछ नहीं कर सकते, 21 की जगह बस लिखेंगे, बोले हैं जितना बोले हैं ना उतना ही करेंगे, है ना। तो x बराबर 35 में 21 जाएगा तो बाकी रहेगा 14, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये एक विधि कंप्लीट हुआ, कंप्लीट अभी थोड़ा सा एक बाकी है, एक नंबर उसी से कट जा सकता है आप लोग का। ध्यान से देखो क्या लिखना है हम लोग को, अतः लिखना बहुत जरूरी। हम लोग लिखेंगे अतः एक उस छोटी गुफा में 14 खरगोश और 21 क्या है पक्षी है, इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर है। अब देख लेते हैं इसका विलोपन विधि से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो इसमें भी सबसे पहले आप लोग क्या, विलोपन का मतलब समझ लो, प्रतिस्थापन का मतलब समझे थे, जैसे कि एक समीकरण को हल करना है दूसरे समीकरण में रख देना, वही काम करके मैं दिखाया हूँ। हर एक प्रश्न को आप लोग को ऐसे ही करना है, आप लोग चाहो तो वीडियो को यही रोक दो और इस विधि से जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, जितने भी समीकरण है आप लोग कर सकते हो, उसको कर करके देख ही लो, फिर आगे की वीडियो बाद में देख लेना, अगर एक साथ में दिक्कत हो जाएगा पूरा मर्ज हो जाएगा उससे अच्छा है ना, यहाँ तक रोक के देख सकते हो। अब क्या है, अब हम लोग किसको इसी क्वेश्चन को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को काम सीख जाओ, है ना। समीकरण रेडी है, सब चीज सेम टू सेम लिखेंगे, दोबारा करने की कोई मतलब नहीं है, है ना, वीडियो लंबी होगी, उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको विलोपन विधि सब मैं हल करके बताता हूँ। तो विलोपन का मतलब समझा रहा था ना आप लोगों को, तो विलोपन में क्या करना रहता है, पूरी तरीका से किसी एक वैल्यू को जीरो कर देना है, ठीक है। मतलब आपके मान के चलो आपके क्लास में टोटल लड़की लड़का मिक्स बैठे हैं, अगर मेरे को लड़के लड़के को गिनना है मान के चलो, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, लड़के लड़के को गिनना मतलब पूरे लड़कियों को बाहर करना पड़ेगा, है ना, उसको लड़कियों को जीरो मानना पड़ेगा, लड़की है ही नहीं करिए, तब लड़के लड़के आराम से काउंट हो सकता है। इसी तरीके से इसमें अगर किसी एक का वैल्यू निकालना है तो आप लोग को किसी एक को बाहर करना पड़ेगा कक्षा से, है ना। तो उस गुफा है, गुफा है यहाँ पर, तो अगर माने के चलो मेरे को पक्षी के निकालना है तो बाकी खरगोश को बाहर करना पड़ेगा, बाहर जाओ भाई आप लोग, इन लोग को गिरने दो करके, है ना। तो वही काम इसमें भी होगा, क्लियर है। तो देखो चलो, है ना, तो देखो दोनों समीकरण के मान को क्या करना, बाहर करने के लिए एकदम से इसमें भगा नहीं सकते, बराबर करके इसको घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो एक से बस है, यहाँ पर चार एक से है, तो उसको चार एक से बना सकते हैं चाहे तो। देखो यहाँ पर दो वाई है और यहाँ पर सिर्फ वाई, तो इसको दो वाई बना सकते हैं। अगर इसको दो वाई बनाना है तो दो का गुणा करना पड़ेगा, अगर इसको चार एक से बनाना है तो चार का गुणा करना पड़ेगा, किसी एक को हटाना पड़ेगा ना। तो मान के चलो देखो मैं एक्स को हटाना चाहता हूँ, है ना, एक्स को हटा देता हूँ, बाहर करना है, तो इसको चार बार चार एक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, समीकरण एक में चार का गुणा करने पर, ठीक है, देखो चार का गुणा करने पर देखो कैसे होगा, चार का दोनों साइड होगा ना, एक साइड नहीं बस, इस साइड भी ऐसे चार गुणा, ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा चार एक्स प्लस चार वाई बराबर 35 और 4 का गुणा करेंगे तो 140 होगा, क्लियर है आप लोग को, ठीक। अब इसको देख लेते हैं समीकरण नंबर तीन, अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटा दूंगा तो आप लोग को पता है 4x 4x कटेगा तो गया, x का रोल खत्म हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण तीन व दो को घटाने पर, ठीक है, घटा दो भाई इसको, समीकरण तीन क्या है, 4x प्लस 4y बराबर 140। अब इसमें घटाएंगे कि इसको समीकरण दो को, तो ये इस तरीके से 4x प्लस 2y बराबर 98। अब देखो घटाना है मतलब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा सभी का, ये माइनस होगा तो ये माइनस, और यहाँ पर भी मैंने 4x और 4x कट जाएगा पूरी तरीके से प्लस माइनस की वजह से, ठीक। अब यहाँ पर देखो 4y में 2y बाकी रहेगा तो यहाँ पर 2y बाकी रहेगा बराबर, और 140 में 98 जाएगा तो यहाँ पर बाकी रहेगा 42, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास बाकी है 2y बराबर 42, y का मान निकालना है, इसलिए ये हो जाएगा 42/2, उस 2 को इधर भेजा तो बटा में आएगा ना, गुणा का बटा में आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 21। ये हुआ एक मान, पिछले विधि से भी इतना ही आया था, इस विधि से भी इतना आया, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं ना। अब देखो किसका मान निकालना है हम लोग को, x का मान निकालना है, तो फिर सेम y का मान आने के बाद वही काम, तीन तीन समीकरण आपके सामने पड़ा है,
उन तीनों में से किसी एक में मान रख दो आप लोग, जो सरल लगे आप लोग को, जिसमें भी रखोगे उतना ही आएगा। ठीक है, मैं समीकरण एक में रख लेता हूँ क्योंकि वो मेरे को ईजी, सरल, सीधा साधा सा लग रहा है। समीकरण एक में y बराबर 21 रखने पर, ठीक है, देखो क्या होगा, x प्लस y की जगह में लिखेंगे 21 बराबर 35, बाकी को कुछ छेड़खानी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि जितना करेंगे बोले हैं उतना ही करेंगे, है ना, इतना हुआ, x का मान निकालने, इसलिए इस 21 को भेज देंगे तो 35 ऋण 21 होगा। क्लियर आप लोग को आया, x बराबर, अब इन दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14। क्लियर, वही अता वाला आप लोग को फिर से लिखना है, कैसे लिखना है आप लोग को पता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले विधि से। अब हम दो लोग देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को आलेख विधि से। आलेख मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में बनाना पड़ेगा, और आप लोग को पता है ग्राफ में बनाने के लिए हम लोग को दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से देखो कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें हल करने का एक ही तरीका है, इस तरीके से समीकरण एक से, है ना, दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। इसमें एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 35। क्लियर है, अब इसमें हम लोग किसी एक को रोक दो, किसी को भी रोको, चाहे एक्स को रोको चाहे वाई को रोको, मैं एक्स को रोक लेता हूँ, ठीक है, वाई को भेजूंगा तो ये हो जाएगा 35 ऋण वाई, समीकरण नंबर 3। उसी तरह इस समीकरण को भी हल करना पड़ेगा, किसको, समीकरण नंबर 2 को, है ना, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है 98। क्लियर, अब जब उसमें x को रोके हैं तो यहाँ हम लोग का फर्ज बनता है हम लोग यहाँ पर भी x को रोकेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहीं पर गलती होता है बहुत बच्चे लोग का कि इसमें y को रोक दे उसमें x को रोके, सेम चीज़ रोकना, जब उसमें ऊपर वाले में x रोके तो इसमें भी x वाले टर्म को रोकना पड़ेगा, है ना, तो इस तरीका से होगा 98 ऋण 2y, है ना, ये 2y। क्लियर, अब सिर्फ एक से रोकना है ना, तो इस चार को भी भेजेंगे तो वो दोनों पूरे की बटा में जाएगा क्योंकि गुणा है तो भाग में जाएगा ना, ऐसे, ये समीकरण नंबर 4। क्लियर यहाँ तक आप लोग को, ठीक, अब देखो हम लोग को इससे टेबल बनाना पड़ेगा इस तरीका से, समीकरण 3 से, है ना, इस सारणी बनेगा कुछ इस तरीका से, ठीक, ये होगा x और ये होगा y, समीकरण 3 कहाँ पर है, ये x बराबर 35 रीड y है, ऐसा समीकरण, इसमें रफ वर्क करना पड़ रहा है, मैं आप लोग साइड में कर लेंगे या इसी में करोगे तब भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा, वैसे कोई मतलब नहीं है इस कैलकुलेशन का, हम लोग को ये टेबल चाहिए, है ना। तो देखो अगर मैं y की जगह पे, इस y की जगह पे 5 रख दिया तब आंसर कितना आएगा, 35 रीड 5 होगा, मतलब 35 में 5 जाएगा तो बाकी कितना रहेगा, 30, 10 रख दूंगा यहीं पर तब कितना बाकी रहेगा, 25, है ना, और 15 रख दिया यहाँ पर तब कितना बाकी रहेगा, 20, और 15 कितना रखूँगा, 20 रखूँगा तो बाकी रहेगा 15। ये क्लियर है, एक हुआ हम लोग के पास, ठीक, अब हम लोग इसका देख लेते हैं अगला, ठीक है, अगला क्या, अगला कौन से समीकरण से बनेगा, समीकरण नंबर 4 से टेबल नंबर 2 बनेगा, ये टेबल नंबर 1 हुआ, ठीक है, इसको लिख लेंगे सारणी 1, है ना, सारणी 1, सारणी 2 इससे मिलेगा, देखो इससे, ठीक है, ये होगा x के लिए और ये होगा y के लिए। अब इसी में जैसे उसमें काम किया वैसे सिमिलरली इसमें भी करना है, क्या दिया हुआ है, x बराबर यहाँ 98 माइनस 2y बट्टा में दिया है 4। अब देखो इसमें सेम, उसमें 5 रखे थे इसमें भी रख लेते सेम नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नंबर का हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अब देखो 98 रीड, अब y की जगह मैं 5 रख रहा हूँ तो 2 ऐसे होगा मतलब 4, इसको हल करो तो 98 रीड 5 दूनी 10 बटा 4, मतलब 98 में 10 जाएगा तो ये 88 बटा में 4, मतलब ये 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, ऐसा 22, मतलब 22 बाकी रहेगा। क्लियर है, अगर इसी तरह मान के चलो यहाँ पर मैं इस बार 10 रख रहा हूँ तो यहाँ 10 होगा, फिर 10 दुनिया यहाँ पर 20 होगा, अब 20 में कितना जाएगा तो ये समथिंग इतना होगा, है ना, ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, समथिंग आएगा ये 19.5, फिर 20 रखेंगे तब आएगा 17, और कितना रखेंगे 15 रखने से आएगा, फिर 20 रख देंगे, है ना, तो 20 रखने देने से हो जाएगा ये
कितना होगा, 14.5 के आसपास आएगा। क्लियर, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों टेबल की माध्यम से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर ग्राफ वाला आया, ग्राफ में बनाने के लिए बोले हम लोग को वाले एक विधि सॉल्व करने के लिए, आप लोग को ग्राफ पेपर पेपर में दिया जाएगा। ठीक, ग्राफ में तो आता ही होगा आप लोग को करना, है ना। ठीक है, यदि आप लोग को ग्राफ में नहीं आता है तो आप लोग सीख जाएंगे पूरे चैप्टर में, आपका वीडियो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, पूरी चैप्टर को मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको कर लोगे। इस तरीके से बनाना है, सारे वैल्यूज को ग्राफ में प्रेजेंट करना है, फिर जहाँ पर कटान बिंदु आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये पूरी वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप और क्या करना है, आप लोग को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, और कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। ठीक है।